हेलो एंड वेलकम बैक टू माय टिप चैनल संजू क्रिएशन गाइस। तो आज के स्टूडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इस तरह का मल्टीपल कलरफुल फंस जैसे कि इंटरफेस में देख ही रहे होंगे। इस तरह का आपको आज मल्टीपल कलरफुल फंस टीपी एडिटिंग करना सिखाएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो पर जो एंड तक बन रहेगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन घंटी जो है उसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए गाइस, ताकि हमारे के लिए आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं आज की वीडियो की और विदाउट वेस्टिंग टाइम तो सबसे पहले हमको चले जाना अपनी पिक्सल ऐप की ओर। और पिक्सल ऐप ओपन करने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते हो न्यू टेस्ट का जो ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ से इसको जो है रिमूव कर लेना है और कैपिटल लेटर में हमको नया टाइप कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद हमको यहाँ पर ओके कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर नीचे में देख सकते हो सेकंड नंबर पर हमको ये ए वाला आइकन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको थोड़ा आगे स्क्रॉल कर लेना है और आगे स्क्रॉल करने के बाद हमको यहाँ पर ए बी फ्रंट वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और रिसेंट में मैंने यूज़ किया था, इस फ्रंट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप जो जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद बैक हमको अपने साइज़ वाले ऑप्शन पर आ जाना है, ठीक है। साइज़ वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद साइज हमको इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह कर लेने के बाद हमको यहाँ से अब जो है इसको सेटअप कर लेना है और यहाँ से हम इसको जो है लॉक कर लेंगे, ठीक है गाइस। और लॉक करने के बाद हमको यहाँ पर नीचे में देख सकते हो टेस्ट वाला जो ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पर टेस्ट रिमूव कर लेना है, उसके बाद हमको यहाँ पर कैपिटल लेटर में तीन बार जो है पी डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से जो है ओके पे कर लेना है प्रेस और थोड़ा आगे स्क्रॉल कर लेना है राइट साइड। उसके बाद हमको फिर से आ जाना है ए बी फंड वाले ऑप्शन पर, ठीक है। उसके बाद रिसेंट में मैंने यूज़ किया था, इस फंड का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद फीडिंग थोड़ा इंक्रीज कर लेना है और यहाँ से हमको साइज इंक्रीज कर लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमको यहाँ पर राइट पे क्लिक करना है और थोड़ा आगे स्क्रॉल करके हमको चले जाना स्पेसिंग वाले ऑप्शन पर, ठीक है गाइस। तो पर स्पेसिंग थोड़ा आ जाते हैं और स्पेस थोड़ा दे देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इतना हमको कर लेना है, कुछ इस तरह से सेटअप कर लेना है, ठीक है गाइस। उसके बाद हमको यहाँ से इसको जो है लॉक कर लेना है, ठीक है। और लॉक करने के बाद हमको यहाँ पर नीचे में देख सकते हो फोर्थ नंबर पर हमको ये वाला आइकन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ पर भी कर लेना है, ठीक है प्रेस। उसके बाद हमको यहाँ पर गैलरी में सेव कर लेने के लिए हमको इस वाले आइकन पर आ जाना है, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ पर सेव एज इमेज का ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पर, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर डिफॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा गाइस, तो यहाँ से हमको सिंपली यहाँ से जो है सबसे लास्ट वाला अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमको यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा गाइस, तो जैसे कि देख ही सकते ये हमारा गैलरी में ऑलमोस्ट सेव हो चुका है। तो सिंपली हमको यहाँ से चले जाना है बैक, ठीक है। और बैक चले जाने के बाद जो हमको अपना जो है फोटोशॉप ओपन कर लेना है, ठीक है गाइस। तो फोटोशॉप ओपन करने के बाद हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा गाइस, तो जैसे कि देख ही सकते हो यहाँ पर हमको नीचे में दो ऑप्शन मिल रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले आइकन पे कर लेना है हमको प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर फोटो लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और यहाँ से हम जो है पिक सेलेक्ट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो हमको यहाँ से ये वाला पिक जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में हमको देख सकते हो ये वाला आइकन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। उसके बाद हमको यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में प्लस वाला आइकन मिलेगा, ठीक है गाइस। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर फोटो लेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको दो बार कंटिन्यू जो है कर लेना है प्रेस, ठीक है। उसके बाद हमको चले जाने हैं अपने जो है पिक्सल ऐप से, जहाँ हमने ट्रांसपेरेंट किए थे, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और साइज़ हमको नॉर्मल कर लेना है, छोटा कर लेना है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है गाइस। और राइट पे क्लिक करने के बाद हमको फिर से चले जाना है राइट साइड कॉर्नर प्लस वाला आइकन पर, ठीक है। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस और यहाँ से हमको जो है डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको कर लेना है दो बार प्रेस कंटिन्यू, ठीक है। तो ये हमारा दो लेयर बन जाएगा, तो वन टू, ये हमारा थ्री लेयर बन चुका है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से जो है इसको डन कर लेना है, ठीक है गाइस। उसके बाद हमको फर्स्ट लेयर से रहकर हमको चले जाना है इस वाले आइकन पर, ठीक है। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ पर देखते हैं इन्वर्ट का जो ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस गाइस, ठीक है। उसके बाद हमको इसका जो है ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेना है, तो सिंपली हमको इस वाले आइकन पर आ जाना है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ पर नीचे में देख सकते नॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और यहाँ से हमको जो है स्क्रीन जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको सेकंड लेयर सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको चले जाना है एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर। और एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते हो ड्रॉप शैडो का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस गाइस। और यहाँ से हमको कुछ छेड़ना नहीं है, सिंपली हमको डिस्टेंस वाले ऑप्शन पर आ जाना है और डिस्टेंस को हमको 4x5 के राउंड कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक कर लेना और इधर भी राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब जो है इसका हमको ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेना है गाइस, तो सिंपली हमको फिर से इस वाले आइकन पर आ जाना है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद नॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से हमको जो है मल्टीप्लाई जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो थर्ड नंबर पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमको थर्ड लेयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमको चले जाना है फिर से एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर। और एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से बेवल का ऑप्शन मिलेगा गाइस, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ हमको कलर को बस चेंज कर लेना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से कलर वाले में सिंपली कर लेना है प्रेस और जो वाइट है उसको हमको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमको यहाँ से राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है।
उसके बाद हमको फिर से चले जाना है एफएक्स और यहाँ से फिर से बेवल, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो है तीन बेवल कंटिन्यू लगा लेना है, ठीक है गाइस। उसके बाद हमको सेकंड लेयर सेलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरह से पिक जो है जूम कर लेना है, ठीक है गाइस। उसके बाद हमको पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से प्लस मोड लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ से हमको जो है पिक्सल जो है सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं अगला प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, आप जो है वीडियो पर एंड तक बने रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ही हमारा पिक्सल हो चुका है सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमको आ जाना अपने थर्ड लेयर वाले ऑप्शन पर, ठीक है। और थर्ड वाले लेयर ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से इस वाले आइकन पर आ जाना है, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद सबसे लास्ट में हमको देख सकते हैं ये वाला आइकन मिलेगा, ठीक है। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, अब ठीक है गाइस। यहाँ से आप थोड़ा स्टेप स्टेप भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ बस वैसी वैसी आप भी जो स्टेप स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। तभी जो आप इस तरह का जो है एडिटिंग सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ बस वैसी वैसी आप भी जो स्टेप स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। तभी जो आप इस तरह का डीपी एडिटिंग करना सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको कुछ इस तरह से इसको जो है सेटअप कर लेना, ठीक है गाइस। तो देख सकते हैं ये हमारा ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है। तो सिंपली हमको यहाँ से चले जाना है, यहाँ से हमको राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक कर लेने के बाद हमको यहाँ से प्लस मोड रिमूव कर लेना है। उसके बाद हमको यहाँ से जो है सेकंड लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। और यहाँ से हमको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, प्लस मोड लगा लेना है और यहाँ से हमको पिक्सल जो है सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। और यहाँ से हमको कुछ इस तरह से इसको सेलेक्ट करते जाना है गाइस। इसके बाद मैं अगला प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, आप जब वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। अभी तक इस वीडियो का लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बगल में जो है बेल आइकन घंटी जो है उसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा गाइस, ताकि हमारे अगले आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको थर्ड लेयर पर रहना है और यहाँ से हमको ये वाला जो है सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको सेकेंड लेयर आ जाना है, फर्स्ट लेयर से देख लेते हैं हमको सिलेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले ये वाला जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ से प्लस मोड लगा लेना है और यहाँ से हमको ये जो है सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है। और यहाँ से हमको सेकंड लेयर से रहकर इसको जो है कलरफुल कर लेते हैं, ठीक है। तो चले जाना है हमको यहाँ से एंड वाला ऑप्शन, ठीक है। वहाँ से हमको फेल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो है इसको कलरफुल कर लेना है, तो कलर हमको यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। राइट पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको लास्ट लेयर आ जाना है और लास्ट लेयर आ जाने के बाद हमको यहाँ से कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, प्लस मोड लगा लेना है और यहाँ से हमको ये पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेकंड लेयर एंड वाला ऑप्शन और यहाँ से फिल स्टॉक, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड लेयर और यहाँ से हमको ये सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमको इस तरह से पिक्सल जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। उसके बाद सेकेंड लेयर एंड वाला ऑप्शन फिल स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ स्टेप टू स्टेप बाई आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तभी जो है इस तरह का आप जो है एडिटिंग सीख पाओगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे रेड कलर, ठीक है। यहाँ से प्लस मोड हटा लेना है और यहाँ से हमको चले जाना है फिर से थर्ड लेयर, ठीक है। और यहाँ से हमको ये सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमको फिर से इस तरह से सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है गाइस। उसके बाद हमको थर्ड लेयर आ जाना है, सेकंड लेयर आ जाना है और यहाँ से एंड वाला ऑप्शन फिल स्टॉक, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कलर दे देंगे पिंक कलर, ठीक है। प्लस मोड हटा लेना है, ठीक है गाइस। अब यहाँ से हमको जो है थर्ड लेयर आ जाना है और ये वाला हमको सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप जो है वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा गाइस, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा। प्लस मोड लगा लेना है और यहाँ से हमको जो है ये सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है। यहाँ से हमको प्लस मोड और यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से हमको इसको सिलेक्ट करते जाना है। इसके बाद हमको इस वाले आइकन पर आ जाना है और इसको भी हमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीच में जो ऑप्शन मिलेंगे उसी को हमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस, अदरवाइज दूसरे को नहीं, ठीक है। उसके बाद हमको आ जाना है सेकेंड लेयर, ठीक है। और सेकेंड लेयर आ जाने के बाद हमको चले जाना है एंड वाला ऑप्शन फिल स्टॉक और यहाँ से हम इसको दे देंगे कलर जो है ब्लू, ठीक है। यहाँ से हमको रिमूव कर लेना है। उसके बाद जो नहीं हुआ उसको भी हमको फिर से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमको चले जाना है थर्ड लेयर, ठीक है। और यहाँ से हमको फिर से इसको कलर कर लेते हैं कुछ इस तरह से, जो जो नहीं हुआ उसको हमको फिर से दोबारा कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा यहाँ पर भी बचा हुआ, इसको भी हमको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कलरफुल कर लेना है, ठीक है गाइस। तो स्टेप टू स्टेप फॉलो करिए गाइस, तभी जो आप इस तरह का डीपी जो है एडिटिंग करना सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको इसको भी कलरफुल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से हमको इसको भी कलरफुल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से हमको थर्ड लेयर सेलेक्ट कर लेना है और इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जो है प्लस मोड लगा लेते हैं और यहाँ से हमको इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमको चले जाना है सेकेंड लेयर इफेक्ट्स वाला ऑप्शन, यहाँ से हमको इसको कर लेना है पिंक कलर, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये सिलेक्ट कर लेना है, ये नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमको इसको भी सिलेक्ट कर लेना है पिंक कलर और यहाँ से हम इसको कलरफुल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको इस सही से इसको सिलेक्ट कर लेना है,
ठीक है। तो ये हमारा कलरफुल हो चुका है गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस हमको यहाँ पर और ध्यान देना है, अब जो हमको सिलेक्ट कर लेना थर्ड लेयर से, हमको ये वाला जो है सिलेक्ट करते जाना है, जो बाकी के पार्ट्स बचे हुए हमारा उसको हमको अब सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप जो वीडियो पर इन तक बने रहेगा, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते जाते हैं, तो यहाँ से हमको थर्ड लेयर आ जाना है, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है। और यहाँ से थर्ड लेयर, और यहाँ से हमको चले जाना है इफेक्ट्स, और यहाँ से लाइटिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कलरफुल करते जाना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे सेकंड लेयर से कुछ इस तरह से, इसके बाद हमको यहाँ से इसको कलरफुल करते जाना है, ठीक है। पहले सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमको कलरफुल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पूरा जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, आप जो है वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा गाइस, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बगल में जहाँ पर लाइकन घंटी जो है उसको भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा गाइस, ताकि हमारे अगले आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये देख सकते हो गाइस, ये हमारा मोस्ट सेटअप हो चुका है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमको ये जो हम ये वाला पेंजी लगाए थे, इसको भी हमको जो है कुछ इस तरह से हमको सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है। फिर इसको भी हमको कलरफुल कर लेना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमको आ जाना है, सिलेक्ट कर लेना है पिक्सल, ठीक है। और ये इधर वाला भी हमको पिक्सल जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। उसके बाद हमको आ जाना है अपने थर्ड लेयर, ठीक है। और यहाँ से हमको एफेक्स वाला ऑप्शन, और यहाँ से सनी आफ्टर मून वाला, ठीक है। और यहाँ से हमको कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से हमको फिर से चले जाना है, फिर से हमको इस बार हमको 10 के राउंड कर लेना है, या 5 के राउंड, जितना ठीक लगे उतना आप रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से प्लस मोड रिमूव कर लेना है, ठीक है गाइस। और प्लस मोड रिमूव कर लेना है बस, देख सकते हो बाकी ये बनकर हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी, देख सकते हो बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ब्लर कर लेते हैं, ब्लर करने के बाद हमको आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो फोटो वाला सेलेक्ट कर लेना है, और चले जाना है हमको इस वाले आइकन पर, ठीक है, इफेक्ट्स वाले पर, और यहाँ से अपना बेसिक, और यहाँ से गार्जियन ब्लर, ठीक है। तो ये हमारा देख सकते हो ये बनकर हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी, तो देख सकते हो बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश, काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग जैसा फंड्स लग रहे हैं। तो बस आज की स्टूडियो में इतना ही गाइस, यहाँ पर सिंपली हमको गैलरी में सेव कर लेने के लिए मैं आपको ऑप्शन बता दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमको सिंपली डन वाले ऑप्शन पर कर लेना है प्रेस, और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ से सेव वाला जो ऑप्शन मिलेगा सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर सेकंड में हमको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और प्रेस करने के बाद हम जो हमको पिक जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, सेव कर लेना, और यहाँ से पिक सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से PNG, उसके बाद हमको यहाँ से ओके, ठीक है गाइस। तो हमारा गैलरी में सेव हो चुका है, तो सिंपली देख सकते हो ये बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नेटिंग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नेटिंग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।